जो हमारा डिस्क्लोजर होता है कि मैं एक रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, तो मैं जितनी चीजें आपको बताऊं ये मेरे गाइडेंस है, आपके लिए एक वैल्यू एडिशन है, और मेरे किसी भी व्यू को आप रिकमेंडेशन कंसिडर नहीं करेंगे। आप अपना व्यू फॉर्म करेंगे अपने एनालिस्ट या अपने एडवाइजर से बात की करेंगे, और फिर अपना थोड़ा और उस पर दिमाग लगा के फिर फाइनल फैसला लेंगे खरीदने या बेचने का। मैं जो भी बताऊंगा वो आपके लिए एक गाइडेंस रहेगा। अब विनोद कुमार जी पटना से, खुशकिस्मत उन्हें आवंटन मिला और अब पूछ रहे हैं कि रखे रहें या बेच करके मुनाफा निकाल लें। हाँ, आपने तो पहले ही बोल दिया, मैं तो बोलने वाला था कि देखिए आज की तारीख में आप ढूंढो तो भगवान मिल जाएंगे, अच्छे आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको तो मिल गया है, तो समझो एक तरह से आपके लिए आपका लक काम कर गया है। अब रही बात की नाइका में करना क्या है, देखिए इंटरेस्ट बहुत है, अब हम वैल्यूएशन या बिजनेस इस चक्कर में फिलहाल नहीं पड़ेंगे, उस बातों को जस्टिफाई करना मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको करना क्या चाहिए, सिंपल सेंस लगाते हैं। पहली चीज की जितना डिमांड है पॉसिबल है 10% का और अपसाइड यहाँ से मिल जाए, तो रफली 2200 के आसपास का क्लोज है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा अपसाइड रह सकता है। आपको इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना चाहिए, पहला तो अभी 2000 का स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, अगर उसके नीचे जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो वहां से फिर से आप अपना हमेशा, अभी ये इसके इसके पास बहुत डेटा पॉइंट्स नहीं है हमारे को इवैल्यूएट करने के लिए, तो ये मोस्टली ये साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस में काम करेगा जो कि राउंड नंबर रहेगा, सो 2200, 2400, 500, ये इस तरह के रेसिस्टेंसेस फॉर सम टाइम बनेंगे जब तक ये स्टॉक अपने आप कुछ प्राइस लेवल डिफाइन नहीं कर लेता है। तो उस हिसाब से आपको ये करना है कि जैसे 10% स्टॉक बढ़े वहां से आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10% कर लीजिए, और इस तरह से आप करते रहेंगे तो आपका प्रॉफिट भी कंजर्व होगा, और कहीं ना कहीं तो एक बार करेक्शन आएगा तो जहां से भी आएगा आपका उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अपने आप को सेफ रख सकते। जी सोमेश, लेकिन आपने कहा कि अभी इसके वैल्यूएशंस वगैरह की चिंता हम नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बात तो करनी ही पड़ेगी ना। आखिर 62 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी का है और इसको वैल्यूएशन मिल गई है 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की। इसके मुकाबले में आप मतलब जाने कितनी ही कंपनियाँ हैं, यदि आप 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनियों की लिस्ट उठा लीजिए और ये देखिए कि वो कितना मुनाफा कमाती हैं, या तो आप उस तरीके से निकालने चलिए, या आप ये सोचिए कि 62 छोड़ दीजिए, 100 करोड़ रुपए मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का मार्केट कैप कितना है आप उस तरीके से निकालने चलिए। आखिर कुछ तो इसमें बात होगी ना कि इसको लेकर के बाजार में इस तरह का उत्साह बना है, ऐसा वो क्या खास है? ये तो बाजार से ज्यादा हमें नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर समझ रहा हूँ सारे तरफ जो भी बात करके समझ में आ रही है कि जो ये इन सब बिजनेसेस को ये माना जा रहा है कि आने वाले 5 से 10 साल में इनका जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो सकता है, चाहे वो जोमाटो हो चाहे जितने भी ई कॉमर्स की कंपनीज हैं। तो इस हिसाब से इनको जो वैल्यूएशन मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आज से 5 साल और 10 साल के बाद, कहने का मतलब ये है कि अगर चल गया तो चांदी हो जाएगी और नहीं चला तो फिर पता नहीं, लेकिन इसके लिए मैं पांच इसी साल बात दस साल को का दूसरे जिसके पास तरीके से पेशेंस लेकर है। के आता हूँ सोमेश, मैं इसी बात को दूसरे तरीके से लेकर आता हूँ। अभी अगर एक बड़ा शब्द इसमें इस दुनिया में चलता है, मतलब ये जो न्यू एज टेक कंपनियाँ हैं उनकी दुनिया में, ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू GMV, मतलब आपने आपके आपका एक प्लेटफॉर्म है उस पर किसी ने बेचा किसी ने खरीदा वो आपकी GMV जुड़ गई और उसके आधार पर आप अपनी एंटरप्राइज वैल्यू निकालने लगते हैं, ठीक है, उसमें आपकी कमाई कितनी है, आप उस रेवेन्यू को नहीं जाते हैं कि कमीशन कितना मिला उससे, आपने दूसरी सर्विसेज दी उससे रेवेन्यू कितनी हुई, वो नहीं, कुल हमारे प्लेटफॉर्म पे इतना सामान खरीदा बेचा गया वो ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू हो गई और उसके आधार पर हमने अपनी एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी शुरू कर दी। ये चलता है इस दुनिया में चलता है, लेकिन उसी को अगर मान लें तो नाइका का ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू है 5900 करोड़ रुपए, यानी 0.79 बिलियन डॉलर, और उसको मार्केट कैप मिल गई 1 लाख करोड़ रुपए की या उससे ज़्यादा हो गई। अब यदि फ्लिपकार्ट का GMV देखें तो 15 बिलियन डॉलर है, तो उसके हिसाब से क्या फ्लिपकार्ट हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी होनी चाहिए आज की तारीख में, जिसका मार्केट कैप शायद आप 0.8 से यदि आप 15 को देखें, मतलब कितना फिर 20 गुना कर दीजिए,
मतलब 20 अरब डॉलर की, ये माफ करिए, क्या रिलायंस से बड़ी कंपनी आज की तारीख में आपको फ्लिपकार्ट है? भारत में लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर वैल्यूएशन उसी तरीके से निकालना है तो क्या हम मान लें कि रिलायंस से ज़्यादा बड़ी कंपनी, TCS से ज़्यादा बड़ी कंपनी आज भारत में फ्लिपकार्ट है, यदि इसी वैल्यूएशन को पैमाना माना जाए? एक्चुअली इसका क्या है ना कि हर तरह से डिबेट किया जा सकता है। मेन है कि जो ई कॉमर्स की कंपनी जा रही हैं, इनको यही नाम दिया जा रहा है कि इनका आने वाला ग्रोथ इतना बढ़ सकता है। मतलब जो फॉर एग्जांपल जिस तरह से जोमैटो का ही, इनफैक्ट उनके पास तो प्रॉफिट भी नहीं है, उनको 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है। तो नाइका के पास तो चलो कहने को कुछ प्रॉफिट तो है, आगे आने वाले क्वार्टर का पता नहीं, लेकिन अभी तो कहने को तो है। तो ये वैल्यूएशंस जो दी जा रही हैं इन कंपनी को आज के हिसाब से नहीं दी जा रही। कहने का मतलब ये है कि ई कॉमर्स इज द फ्यूचर, ये डेफिनेशन है। अभी हम समझ नहीं रहे हैं, हो सकता है कि आने वाला वक्त हमें समझाए कि हमें सिर्फ खाना जोमेटो पे ही मिलेगा, हमें और कहीं से खाना नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है। तो इस तरह के जो भी हैं इन बिजनेसेस को एक वैल्यू मिल रहा है, तो फिलहाल तो इस फ्रेंजी में हम कुछ कह नहीं सकते। जो भी वैल्यूएशन आ रहा है वो सिर्फ डिबेट डिबेट किया जा सकता है, डिबेटेबल है। इसका दो तरीका है डिस्कस करने का। एक तो है कि जैसे मैं बिलीव करता हूं मुझे कैश फ्लो दिखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, न्यू बिजनेसेस हैं उनका मार्केट साइज 5-6% के हिसाब से क्या अगर मिल सकता है, मार्केट साइज ग्रोथ हो सकती है 5-6% के हिसाब से अगले 5 साल 6 साल में, जिसके कारण इनका ये पाई बड़ा होगा, जिसके कारण इनका खुद का शेयर उसमें बड़ा होगा। इस बेसिस पे ये हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो इनमें एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव ग्रोथ आ सकती है, और इस कारण से एक अपनी भी जगह रख लो इसमें, थोड़ी सी हमें भी इन्वेस्टमेंट करके रख लेनी चाहिए। तो एक अपॉर्शनमेंट है अनटेस्टेड टेरिटरी में, ये टेरिटरी जो है अभी टेस्टेड नहीं है, अनटेस्टेड है। तो वहां पे एक हमारे लिए थोड़ी सी जगह बन गई है कि लेके रख लेते हैं, अगर चला तो बन जाता है काफी अच्छा पैसा बन जाएगा, नहीं चला तो क्या जाएगा। तो उस तरह से थोड़ी एलोकेशन यहाँ पे हो रही है। बाकी ये अनटेस्टेड टेरिटरी का नाम मैंने इसको दिया है, फिलहाल इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर चल गया तो मेरे जैसे लोग आगे जाके बेवकूफ कहे जाएंगे, अगर नहीं चला तो शायद जो डिसिप्लिन वाला इन्वेस्टमेंट होता है वो काम कर जाएगा। मुझे तो यही समझता है। जी, अब खैर, मतलब जिस तरीके से आपने सरेंडर कर दिया है फंडामेंटल्स को लेकर के, तो फिर उस पर कोई बहस ही नहीं बाकी बचती है। तो अब मैं और तर्क इसमें क्या निकालूं कि चलिए ठीक है, जब तक बाजार इसको भाव दे रहा है तब तक भगवान मान करके चला जाए। एक्चुअली इसका मैं क्या जवाब निकालूं, मुझे तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से समझ नहीं आ रही है चीज। हर जगह बात करके समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक ही चीज कहा जा रहा है कि पुराने लोगों को, अब मैं उतना भी पुराना नहीं हूं, नए जमाने के बिजनेसेस समझ में नहीं आए। तो नहीं आ रहे हैं तो किसी ने किसी दिन अभी IRCTC समझा के गया, ये भी किसी दिन समझा देगा। अल्टीमेटली थियरी यही कहती है कि अर्निंग अर्निंग्स एंड अर्निंग्स, एक समय तक अर्निंग्स नहीं आएगा तो कंपनी को पनिश किया जाएगा। आप कंपनी छोड़िए, आप देख लीजिए 2014 से मार्केट अर्निंग्स की वेट कर रहा था, नहीं आया तो 2017 से मार्केट का क्या हाल हुआ, वो होगा। हम अर्निंग्स वेट कर, और ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मैं हवा बिना लॉजिक के बात कर रहा हूँ। आप 2014 से 17 का डेटा निकालिए और जितने न्यूज आर्टिकल से पढ़िए, सब EPS ग्रोथ की होप में बैठे थे, नहीं आया तो 2017 से मार्केट को पनिशमेंट मिली, और मिड कैप और स्मॉल कैप को तो क्या पनिशमेंट मिली। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ, अल्टीमेटली अर्निंग्स ग्रोथ ही डिफाइन करेगा इनका वैल्यू, अर्निंग्स ग्रोथ आ गई तो फिर सब सही है, अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आई तो वो तो पनिशमेंट मिलना ही जो मिलेगा।